नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम कुछ करेक्ट टेंसेस सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको इनका रूल पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इट रेन सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जो वर्ब है वो हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इट रेन यानी कि रेन मतलब बारिश, सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह 8 बजे से। तो अगर आपको रूल्स पता है तो ये भी पता होगा कि जो काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि सुबह 8 बजे से बारिश हो रहा है, इसका मतलब तो यही है कि पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके के टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं। जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी वर्ब लगता है वो होता हैज़ बिन और हैव बिन, और मेन जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी बैठता है। तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज़ बिन होगा। तो इट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज़ बिन लगा है। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा तो हैव बिन लगता है। तो इट हैज़ बिन रेन के साथ आईएनजी लगेगा और बाकी सेम रहेगा सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आई हैव माई डिनर एन आवर एगो। तो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है, जो हैव होता है वो एक वी वर्ब होता है, हैव हैड आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हैव को एक यू नो मेन वर्ब के तरीके से दिया है। तो एन आवर एगो ये वर्ड देख के आपको पता चलता है कि कुछ 1 घंटे पहले एक काम हुआ है, तो पास्ट में हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जो मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म लगेगा, बाकी एज इट इज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो आई हैड माई डिनर एन आवर एगो। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही रेड अ बुक। तो देखिए मतलब समझने का ट्राई करते हैं। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया, ही रेड अ बुक, वो एक किताब, देखिए बोलने से ही आ रहा है कि पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, चल रहा था। तो ये जो चीज है ये होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बुक वो पढ़ रहा था। तो ये पहले वाला एज इट इज लिखते हैं। When I went to his house, he was reading होगा, क्योंकि past continuous tense का was और were helping verb लगता है और जो main verb है उसके साथ ing लगेगा। और was और were में से किसको choose करें, देखिए जब singular कुछ भी होगा तो लगेगा was, और plural के time पे were डालते हैं हम, तो he एक singular है इसलिए हम क्या करेंगे, was लगेगा। नेक्स्ट है द बस स्टैंड एट द कॉर्नर नाउ। यहाँ पे नाउ से ही समझ आ रहा है कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द बस स्टैंड एट द कॉर्नर नाउ यानी कि बस जो है अभी कॉर्नर में खड़ा है। देखिए जब मीनिंग भी आप समझ रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली आ जा रहा है यू नो कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। तो कंटिन्यू अभी चल रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके भी वर्ब हमारे लगते हैं इज, एम और आर, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो द बस यहाँ पे इज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और स्टैंड के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि ये एक मेन वर्ब है, बाकी सेम रहेगा। तो द बस इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन है शी वेट फॉर अस सिंस नून। अगेन देखिए सिंस वर्ड होता है जब, या फिर यू नो फॉर एन आवर, ऐसी चीजें जो होती हैं तो उससे समझ आ जाता है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी वेट देयर फॉर अस, वो हमारे लिए इंतजार कर रही है, सिंस नून, दोपहर से। तो दोपहर से वो इंतजार कर रही है, कोई काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो पहले वाला जो हमने किया था वो भी सेम ही था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वैसे ही लगेंगे हम, देखिए यहाँ पे शी हैज़ बिन होगा क्योंकि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और वेट के साथ आईएनजी लग जाएगा, बाकी सेम। द वर्क बिगिन अ मंथ एगो। तो देखिए अगेन यहां पे अ मंथ एगो मतलब एक महीने पहले, एक काम पास्ट में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये काम एक महीने पहले शुरू हुआ था। देखिए बोलते टाइम ही आपको समझ आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि मेन वर्ब का पास्ट टेंस लगेगा और कुछ नहीं। द वर्क बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो BEGAN, बाकी सेम। द वर्क बिगैन अ मंथ एगो। ही लीव फॉर यूरोप दिस फ्राइडे, तो वो इस शुक्रवार को यूरोप के लिए निकलेगा,
यानी कि फ्यूचर है कुछ, यानी भविष्य के बारे में बता रहा है अगले शुक्रवार को, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा ये। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल और विल यूज़ करते हैं, तो आप बेसिकली विल ही दीजिएगा, नॉर्मली विल ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ही विल, और जो मेन वर्ब है ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ही विल लीव फॉर यूरोप दिस फ्राइडे। नंबर 8 है ही वेंट आउट आफ्टर ही लॉक द डोर, तो इसका मतलब है कि वो बाहर चला गया डोर लॉक करने के बाद। तो देखिए ऐसे जब पास्ट टेंस के दो काम एक साथ बताए जाते हैं तो जो पहले हुआ होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे उसका बाहर जाना पहले हुआ था या फिर डोर लॉक करना, ऑब्वियसली डोर लॉक उसने पहले किया फिर वो बाहर गया। तो देखिए यहाँ पे बाहर जाना जो पास्ट इंडेफिनिट है ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, ही वेंट, गो का पास्ट फॉर्म लगा है, और हमें इसको क्या करना है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एक ऐसा भी होता है कि यू नो ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन पहले चला गया था उसके बाद वो सब आए। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट, ये आपको एकदम गार्ड बांध देना है। As he was getting off the bus, he fall down. तो मतलब समझते हैं, जब वो बस से उतर रहा था तब वो गिर गया। तो देखिए मीनिंग जब आप समझने का ट्राई करते हैं ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस होगा, वो गिर गया था तो पास्ट टेंस है, जब वो निकल रहा था बस से। तो पहले देखिए क्या करेंगे, When he was getting out of the bus, he fell down होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सिर्फ इसका पास्ट फॉर्म लगेगा, बाकी सेम टू सेम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शो ऑलवेज बिगिन एट 6 PM, यानी कि शो हमेशा 6 बजे शुरू होता है, तो हमेशा ऑलवेज, तो देखिए ये एक रेगुलर होने वाला चीज़ है जो कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, तो सिर्फ इसमें क्या लगेगा।